आप लोग? आई होप अब सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरा खुशी देख के मेरे बच्चे भी खुश है, टॉम भी बहुत खुश है। और मेरा खुशी का राज यही है कि आज मैं डेट पे जाने वाली हूँ। यस गाइस, तो मैं रेडी होने के लिए पहले झटपट से नहा लिया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, गर्मी बहुत है। तो चलो रेडी हो गई, लग रही हूँ ना हीरोइन टाइप्स। क्या है ना, कभी कभी रेडी होती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को ताकती रहती हूँ और सोचती हूँ समरी ने तू ही है ना। जस्ट किडिंग गाइस, मैं रेडी होती हूँ तो ऐसे ही अपने आप को निहारती रहती हूँ। अपने तारीफ खुद का तारीफ खुद ही कर लिया करो, कोई करे ना करे, है कि नहीं? क्योंकि मिरर में तो हम लोग खुद को देखते हैं ना, इतनी प्रीटी सी तो दिख रही हूँ, और क्या चाहिए। और ये ड्रेस बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसमें थोड़ा सा फटाफटा ही पहन लिया, जो भी बोलो। और यहाँ पे टाइसन और टॉम दोनों सो रहे, एसी मैंने फुल ऑन कर दिया, चिल कर दिया, ताकि बच्चे यहाँ पे आराम से सो सके। पर कुछ तो कमी लग रही है यार, स्टाइल मरते मरते मैं भूल गई थी, वो है सैंडल। तो मैंने ज़ारा का ये सैंडल पहन लिया, ये न्यूड का है, न्यूड कलर है। तो ये सब में चल जाता है, अच्छा भी लगता है, और पेंसिल अच्छा अच्छा लग रहा है। पर बैग चाहिए यार, तो ये मैंने बैग ले लिया है। ये बैग मैंने शायद इंस्टाग्राम में कोई पेज से मैंने लिया था, मुझे याद नहीं है। और ये न्यू हेयर कट तो अच्छा ही लग रहा है, पर इसको मतलब अच्छे से ना सेट करना मुझे अभी आ नहीं रहा है, पर जैसे तैसे मैंने किया है तो मे भी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताना। इतनी गर्मी है तो परफ्यूम छिड़कना तो बनता है, तो मैं जल्दी से अपना परफ्यूम फूस फांस कर लेती हूँ, और आप लोग बताना ये ड्रेस कैसा लग रहा है और मेरा लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का भी तो राय जानना ज़रूरी है। मेरे क्या बोलते हो, तो मैं अब रेडी हो गई हूँ और पूरा महक रही हूँ। और ये जो शोल्डर है इसका मैं क्या ही करूँ, बार बार गिर जा रहा है, पर कोई बात नहीं, चलो झटपट अब निकलते हैं। तो फिर मैं निकल गई हूँ और देखो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर बार जब डेट पे जाती हूँ ऐसी खुश रहती हूँ, खिली खिली से रहती हूँ। मेरा दिल का जज्बात आप लोग समझ पा रहे हो, जो लोग समझ गए ना मेरा बोलने का मतलब। तो मैं साउथ सिटी मॉल आ गई हूँ गाइस, हाँ यहीं पे ही है मेरा कैफ़े, तो चलो कैफ़े चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं टॉप फ्लोर में, एकदम टॉप फ्लोर में एक लाइन से कैफ़े है। अभी साउथ सिटी में बहुत सारा कैफ़े ओपन हो गया है, और चलो मैं कैफ़े आ गई और रूपटॉप में आ गई। मैं हमेशा की तरह रूपटॉप में ही आती हूँ, क्योंकि मुझे रूपटॉप बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। कोलकाता में ऐसा कोई कैफ़े नहीं है जहाँ पे समरी नज नहीं गई हो, मैं हर कैफ़े में मैं चली गई हूँ ऑलमोस्ट। न्यू कैफ़े भी ओपन होता है तो वहाँ पे मैं विज़िट करना तो मेरा बनता है। तो आ गए हैं, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड, कर रही हूँ। और मुझे तो बहुत रूपटॉप में वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये ड्रिंक भी बहुत ही टेस्टी था। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, रुको, ये देखो चंदा मामा, ये सारे चीज़ अगर व्यू हो तो कौन इंजॉय नहीं करेगा, है कि नहीं? तो मैंने अपने लिए स्प्राउट सैलेड मैंने ऑर्डर दिया है, क्योंकि भाई मुझे अपना डाइट ख़राब नहीं करना है, क्योंकि मेरा ट्रेनर ने ना बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया है कि अभी कोई भी जंक मुझे खाना नहीं है। और वैसे भी मुझे अपने स्किन के क्वालिटी अभी थोड़ा सा और अच्छा करना है, बेटर करना है, सो मैं अभी अपना डाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। यस, तो मैंने यहाँ पे भी स्प्राउट ऑर्डर दिया था, और ये सैलेड बहुत ही यम्मी टेस्टी सब बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और
एक चीज़, इसमें प्रोटीन भी बहुत है, तो मेरा जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट था नाइट का डिनर का, वो तो पूरा हो गया है। तो और भी कुछ ऑर्डर दिया है, वो अभी आने में टाइम है, तो अभी मैं स्प्राउट इंजॉय कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा क्वांटिटी दिया है, ये तो खा के पता नहीं सुबह तक भूख लगेगा भी नहीं। सो यस, मैं अपना डिनर इंजॉय कर रही हूँ। और गाइस सुनो ना, मुझे एक चीज़ बताओ, जो सामने का जो फ्रंट का जो मैंने हेयर कट किया है, उसको कैसे मैं स्टाइल करूँ? प्लीज़ कमेंट में कोई भी अगर कर सकते हो ना, जो स्ट्रेटनर या फिर वॉट एवर कुछ भी से, तो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि इसका ना मुझे स्टाइल थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। सो मुझे ये ज़्यादा स्टाइल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सो प्लीज़ बताना, तो वैसे टाइप का मैं कुछ ट्राई करूँगी। और आप लोग भी बताना, ये हेयर कट मेरा फेस में कैसा लग रहा है? और ये तो इतना लजीज सैलड है, तो रुकी नहीं जा रही है, खाई जा रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं अपना इंजॉय कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग फिर बात करना शुरू करते। तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए, ओके वीडियो। सैलड तो मैंने खा लिया है, और अब मैं थोड़ा सा हुक्का फूक लेती हूँ। हुक्का मेरा बहुत ही फेवरेट एक चीज़ है, जो मैं हमेशा लेती हूँ जब भी मैं कैफ़े विज़िट करती हूँ। और देखो, साथ ही साथ में मेरा सेकेंड ऑर्डर भी आ गया है। मैंने फ़िश टिक्का ऑर्डर दिया था, ये भी प्रोटीन है, ये भी हेल्दी वाला है। तो चलो, डाइट तो हमेशा मेंटेन होता ही है, कभी कभी मैं चीट कर लेती हूँ जब मेरा दिल करता है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। तो मैं डाइट के अकॉर्डिंग अपना खाना डिनर आज खा रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी है। कोई डाउट नहीं है कि मुझे ये फील ना हो कि भाई मैं क्या खा रही हूँ, नहीं, मैं बहुत ही अच्छा खाना खा रही हूँ। तो यार, फेस वाइज भी बहुत अच्छा होता है हम लोगों की स्किन के लिए, हेयर के लिए। आप लोगों को तो पता ही होगा, घर पे भी मैं एक दो दिन छोड़ छोड़ के मैं फिश बना के ही खाती हूँ। तो मैं खा के बोलती हूँ कि कैसा है, क्योंकि मैं ये कैफ़े में ना फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, इससे पहले मैं आई नहीं थी, क्योंकि कोलकाता में बहुत कैफ़े हैं, तो इधर उधर तो जाना हो जाता है। तो टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, लजीज है, और बहुत ही जूसी है। तो आई लाइक इट फिश टिक्का। तो मैं इसको इंजॉय करती हूँ अब। कैफ़े से हम लोग निकल गए हैं, नीचे उतरते ही इतना प्रिटी सा एक ड्रेस दिख गया, पर शोरूम ऑफ है, नहीं तो मैं पक्का जाके देखती। अब चलो घर चलते हैं, क्योंकि बच्चे लोग भी इंतज़ार में होगा, बट एसी ऑन करके आई थी तो दोनों सो ही रहा होगा। और मुझे ना ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मतलब मेरा वाला जो मैं पहन के हूँ, बहुत ही कम्फी और बहुत ही अच्छा है। चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, और मैं फ्रेश होके मैं आ गई हूँ अपना बेड पे। गुड नाइट। अच्छा ना, हाँ सबको गुड नाइट बोल दो। मेरा बेटा मेरे साथ होता है, सबको दिखा दे तुम मामा के साथ सोते हो। देखो मामा के साथ सोता है तब। मेरा जिगरा, मेरा जान, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा कलेजा, मम्मा का बेटा, अरे बाबा ले, बहुत नींद नहीं अभी, अच्छी नींद नहीं करे, अच्छी ठीक है ठीक, नींद नहीं।
मार अच्छा ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलो नहीं करो। ये अभी जितना ड्रामा कर रहे हैं ना, सोने का सोएगा नहीं, बदमाशी करेगा। टाइसन आ जाए तो मैं भाई सो जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आज का दिन थोड़ा बहुत हेक्टिक था। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना मेरा ड्रेस कैसा था, ओवरऑल आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और आप लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार। जो लड़का यहाँ पे पीछे देखो सोने के चक्कर में था ना, देखो भाग गया। तो आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए और आप लोग अच्छे से रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।